दर्शकों को प्राइम डे न्यूज चैनल की तरफ से एक बार फिर जोरदार स्वागत है। आपको बता दें पठान सपोर्ट से देखिए बड़ी खबर आ रही है। सांझा मुलाजिम मंच पंजाब और यूटी जिला पठानकोट इकाई ने प्रदेश इकाई के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर पठानकोट पे शेष प्रदर्शन करते हुए विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। आइए एक बार नजर डालते हैं पूरी खबर पर। सांझा मुलाजिम के लिए मंच पंजाब के लिए यूटी जिला के पठानकोट इकाई के प्रदेश इकाई के लिए भी महान पर भी अपनी मांगों को लेकर पठानकोट में रोष प्रदर्शन करते हुए विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली है। इस रोष रैली के पठानकोट के लिए भी पैठ सरकारी कार्यालय और पंजाब के पेंशनरों के लिए भी काले कपड़े पहनकर अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ रोष जताया है। ये रोष रैली डीसी के लिए कॉम्प्लेक्स लिए माकिलपुर के से शुरू हुई थी और वह गाड़ी आहता चौक से होती हुई लाइट वाला चौक वैसे आकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए समाप्त हुई है। आज साझे फ्रंट वालों कॉल दी गई थी 26 तरीक की मोटरसाइकिल रैली की सुत्ती सरकार नु जगाण लई आज मोटरसाइकिल रैली कढ़ी गई है। साडा संघर्ष पिछले कई दिनों तो चल रहा, सरकार दे कन्नां ते जू नहीं सरक रही। ये मनप्रीत बादल जिहड़ा गुंगा बोला होके बैठा होया सैक्ट्रीएट दे विच, जे मंत्रियों लई बजट है, मंत्रियों लई पैसे है, ते मुलाजमां दी वारी क्यों नहीं? साडियां 14 मंगा जिहड़ियां उहदे तक जा चुकियां, अज तक उहनां ते गौर नहीं कीता गया। और असीं अपने संघर्ष राही इस गुंगी बोली सरकार दे कन्न जगाउण दी कोशिश कर रहे हैं। जे फिर भी ना जागी ते सड़कां जाम कीतियां जाणगियां, रोड जाम कीते जाणगे और इस दिन रोज जिम्मेवारी पंजाब सरकार दी होवेगी। पंजाब सरकार पंजाब सिविल सकत्तरे तों लै के 17 सैक्टर तक और पंजाब दे हर जिले च कीता जा रहा, क्यों जो चिमड़ी चोलां विच इस सरकार नूं मूंह दिखाणी पवे और उहनूं पता लगे कि मुलाजम सरकारां बना भी सकदे ने ते डगा भी सकदे ने। साडा इक जिंदाबाद। के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस।